मकसद के लिए चुना है। मुबारकबाद के साथ साथ आप हजरात के कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आयद हो चुकी है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि सहाफत की बुनियाद हजरात अम्बिया इकराम ने रखी है। इसके सबसे पहले बानी पैगम्बर, रसूल और अम्बिया, क्योंकि वो भी एक खबर लेके आया करते थे। कुरान ने वही को नबा कहा है, खबर कहा है, और जब वो खबर और सच्ची खबर लेके आते थे तो उनके रास्ते में भी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जाती थी। हत्ता कि इस सच्ची खबर को आगे फैलाने के लिए जो तौहीद की थी उनको रास्ते से हटाने के लिए कत्ल भी किया गया, शहीद किया गया, बाज़ अम्बिया को जेलों में डाला गया, लेकिन वो अपनी इस खबर को फैलाने से पीछे नहीं हटे। और जब आप अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने भी यही बात की कि हमारे पास जो खबर है वो खबर सच्ची है, और आगे लोगों को भी ये कहा कि जब तुम्हारे पास कोई खबर आए तो उस खबर की तस्दीक करके आगे फैलाओ। कुरान ने आपकी सहाफत का, आपके इबलाग के बारे में एक वाज़ह कानून बता दिया। हम ये कहते हैं ना कि इस्लाम क़यामत की सुबह तक है और हर शोबे के लिए है। आपकी सहाफत में भी इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि अगर हम देखें तो वो वाज़ह हमारे लिए हिदायत है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान में सूरह हुजरात में फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यन, कि जब कोई तुम्हारे पास खबर लेके आए तो उस खबर की तहकीक कर लो कि वो खबर कैसी है, सच्ची है कैसी है। फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, कहीं ये ना हो कि तुम अपने ख्याल से खबर को आगे फैला दो और वो खबर झूठी निकले और तुम्हें फिर बाद में पेशमानी हो। ये सहाफत का बुनियादी उसूल है। अगर हम इसको देख के चलेंगे तो ये आपकी सहाफत जहाँ पे एक पेशा है वहाँ पे आपका एक मजहबी फरीजा बन जाएगा, वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला के हाँ ये एक मकाम बन जाएगा। कहते हैं कि सहाफत रियासत का और स्टेट का चौथा बड़ा सुतून होता है।